सुबह तुम्हारे सरहाने रखकर जाती हूँ, मगर तुम्हारे शिकवे हैं कि दिन भर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आखिर आ गई ना तंग तू मुझसे। मैं तंग नहीं आई हूँ, तुम तंग कर रहे हो मुझे। अपाहज नहीं हो जो सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, उठ के जरा हाथ पर हिला लिया करो। सारा दिन काम करके घर आओ फिर भी एहसास नहीं होता तुम्हें, और यहाँ आकर बोलो बोलो चुप क्यों हो गई? चुप इसलिए हो गई कि कुछ बोलूंगी ना तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओगे। फायदा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, एहसास तो फिर भी नहीं करोगे तुम। अनीस भाई, तनख्वाह मिलते ही आपका सारा हिसाब चुका दूंगी, अभी हाथ मत रोके। ऐसा नहीं होता बाजी। बहुत मजबूर हूँ भाई, वरना पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? मैं भी मजबूर हूँ भाई, वरना जरूर दे देता। तुझे काहे की मजबूरी है बे? जो मांग रही है दे क्यों नहीं देता? वो रफीक भाई वो बस बस भाभी, आपको बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिराज अपना यार है और यारों के लिए तो रफीक की जान भी हाजिर है। रफीक भाई, आपको पता नहीं इनका खाता बहुत बढ़ चुका पहले ही। ओ बस बस, बोला ना जो बनता है दे दूंगा तुझे। नहीं नहीं भाई, आप क्यों देंगे? मैं बोल तो रही हूँ इन्हें, जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं इनके सारे पैसे इन्हें दे दूंगी। सुन रहा है? अबे बंदा मौलेदारी का ही कुछ ख्याल कर लेता है। अरे इसी मौलेदारी के चक्कर में तो पूरी दुकान खाली हो गई है। आप बताओ रफीक भाई, आपको क्या चाहिए? अभी तो सिगरेट दे मेरे, और जो मांगती है दे देना, वापसी में मिलता हूँ तुझसे। बोले क्या चाहिए आपको? आधा किलो चावल और दाल। कर्मों की सजा मिल रही है ऐसे जो मुझ जैसे इंसान के पल्ले बांधती थी। एक ऐसा इंसान जो बीवी की कमाई पर आज तक पलता रहा, बीमारी ने और इसकी कमर तोड़ दी। उल्टियां कह सदा मेरे गंदे आलूदी पड़े, रही सही कसर गालियों की वजह से मेरी तलख पाते हैं। मारपीट गालियां किस लालच ने,
किस लालच ने तुम्हें अब तक रोक रखा है कवल? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक हूँ मैं अब ठीक हूँ। एक बात तो बता। पूछ। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझसे क्यों डर लगेगा मुझे? मेरी बीमारी से तुझे भी तो लग सकती है। तेरी बद्दुआ मुझे नहीं लग सकती। मतलब मेरी बीमारी की वजह तेरी बद्दुआ है? चल रोटी खा, सुबह तेरी दवाई लेने भी जाना है, खत्म हो गई है। तू मुझे बद्दुआ देती थी? भाई एक बात तो पकड़ के ही बैठ जाता है तू। कह रही हूँ ना, मेरा वो मतलब नहीं था जहाँ तू बात को लेके जा रहा है। तो फिर क्या मतलब है? मेरी बद्दुआओं में इतना असर होता तो तू यहाँ मेरे सामने नहीं बैठा होता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खा लेता हूँ खाना। मैंने वाकई तुम पर बड़े मजालिम ठहरे। मदावा करने को रब से मोहलत मांगता हूं ताकि तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दो, तुम्हारी जिंदगी के सारे गम चुन लो, तुम्हें इतनी खुशियां दू कि तुम गम के तसव्वुर को ही भुला बैठो। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं।